नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता। दुनिया भर के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दहशत मचाई हुई है। अब भारत में भी ओमिक्रॉन के केस तेजी से सामने आने लगे हैं, जिससे शासन प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। वहीं इस बीच कोरोना के मामलों की बढ़ोतरी अब दोहरी मुसीबत बन गई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। इन सबके बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि उन्हें कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के केसेस रोज छलांगे मार रहे हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने डेटा लेके आया हूँ ये दिखाने के लिए कि केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, पैनिक होने की कोई बात नहीं है। सबको जिम्मेदारी से काम लेना है, लेकिन पैनिक होने की कोई बात नहीं है। पहले हम देखते हैं कि कोरोना के केसेस किस तरह से बढ़ रहे हैं। 29 दिसंबर को 923 केस आए, 30 दिसंबर को 1313 केस, एकदम से छलांग लग गई, 31 दिसंबर को 1796 केस, 1 जनवरी को 2796 हजार केस बढ़ गए एक दिन में डेली। मतलब पिछले दिन 1796 आए थे, अगले दिन 2796, और आज जो शाम को रिपोर्ट आएगी उसमें लगभग 3100 के केस आने की जरूरत है। तो डेली केसेस 2500-3000 क्रॉस कर रहे हैं। सारे मरीज मिला के जो अभी तक टोटल मरीज हैं इस वक्त दिल्ली में, वो आज की डेट में 6360 एक्टिव केसेस हैं। 29 दिसंबर को 262 अस्पताल के बेड ऑक्यूपाइड थे कोरोना के मरीजों से, 262 टोटल सारे मिला के, एयरपोर्ट वाले सब मिला के 262 लोग अस्पतालों में एडमिट थे, और 3 दिन बाद 1 जनवरी को 247 लोग एडमिट थे, थोड़े कमी हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो जो लोग कोरोना से बीमार हो रहे हैं, उन लोगों को लगभग किसी को भी अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। सब लोग माइल्ड केसेस हैं, छोटा मोटा खांसी बुखार, बिल्कुल माइल्ड केसेस है या एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं। आज की डेट में लेटेस्ट जो हमारा हेल्थ बुलेटिन है उसके हिसाब से केवल और केवल दिल्ली में 82 बेड ऑक्सीजन के केवल 82 बेड ऑक्यूपाइड हैं, और ये 82 बेड कई दिनों से इसी के आसपास चल रहे हैं। तो कोई भी पेशेंट ऐसा अस्पताल में नहीं आ रहा जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही हो। जिसको आज हमारी तैयारी है 37,000 बेड्स की। बता दें कि कोरोना और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कई राज्य सरकारों ने अपने राज्य में कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27,553 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 284 लोगों की जान चली गई है। देश में अब तक कोरोना की ओमिक्रॉन वेरियंट के 1,525 मामले सामने आ चुके हैं, जिसने और चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल हमें सावधान रहने की जरूरत है और कोरोना के नियमों का पालन करने की जरूरत है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।